नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए तेजी से एक नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तुर्की से बड़ी खबर, इस्तांबुल कोर्ट हाउस में गोलाबारी, हमलावरों को मार गिराया। इमरान खान को हो सकती है सजाए मौत, पाक आर्मी ठिकानों पर हमलों में चश्मदीदों ने बताया मास्टरमाइंड। चिली में सदी की सबसे घातक आग, सैकड़ों लोगों की मौत, राष्ट्रपति ने की आपातकाल की घोषणा। अब बनेगा बुर्ज खलीफा फीमेल वर्जन, मॉल के अंदर ही चलेंगी इलेक्ट्रिक कारें, शुरू हुआ काम, जाने खासी। इस देश में मचा बवाल, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन। मिडल ईस्ट में जंग पर अमेरिका की भूमिका पर खुलकर बोला रूस, यूएस पर लगाया ये बड़ा आरोप। पीएम मोदी के पास तिलिस्मी चिराग है, 370 सीटों के दावे पर बोले फारूक अब्दुल्ला। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर जाना होगा जेल, यूसीसी लागू होने से बदल जाएगी ये 11 चीज। दिल्ली में आपके कई नेताओं के घर पर ईडी की रेड, 12 जगहों पर हो रही छापेमारी। महाराष्ट्र पुणे में तहसीलदार के ऑफिस से चोरी हुआ ईवीएम उपकरण, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। लोकसभा चुनाव से पहले बीआरएस को एक और बड़ा झटका, मौजूदा सांसद इस पार्टी में हुए शामिल। बिहार में बालू माफिया पर ईडी ने कसा शिकंजा, 36 करोड़ रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी की जब्त। सीएम धामी ने यूसीसी बिल किया पेश, समर्थन में विधानसभा में लगे नारे, विपक्ष का विरोध जारी। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया सुरजेवाला पर कोर्ट ने लगा दिया जुर्माना। कल चलो दिल्ली विरोध प्रदर्शन से पहले सिद्धरामैया ने केंद्रीय मंत्रियों, कर्नाटक के सांसदों को पत्र लिखकर समर्थन मांगा। विरोध प्रदर्शन से पहले कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने दिल्ली के जंतर मंतर का निरीक्षण किया। केंद्र ने कर्नाटक को एनडीआरएफ के तहत एक भी रुपए जारी नहीं किया है, मंत्री ईश्वर खंडे। कर्नाटक सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए ट्रूकॉलर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एनिमल डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा ने की कंगना रनावत की तारीफ, फिर भी भड़क गई एक्ट्रेस। बस्तर द नक्सल स्टोरी के टीजर के साथ सामने आई रिलीज डेट, फिल्म में नक्सलियों से भिड़ेंगी अदाशर। मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा के साथ हुई नाइंसाफी, पत्नी रितिका के कमेंट से खड़ा हुआ बड़ा बवाल। केपी एक्सप्रेस में आज इतना ही, देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।